नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। कुछ बात स्वामी जी महाराज ने आज हनुमान का प्रसंग लिया है। कोई वेदांती है, ज्ञान मार्ग का अनुयायी है, ध्यान मार्ग का अनुयायी है, हठ योग का अनुयायी है, भक्ति मार्ग का अनुयायी है, कर्मयोग का अनुयायी है, हनुमान जी महाराज सबके आदर्श हैं। एक महापुरुष इसे ज्ञानी ध्यानी भक्त कर्मयोगी सब पसंद करते हैं, सब पूछते हैं, सेवक भी पूछते हैं, स्वामी भी पूछते हैं, भक्त भी ज्ञानी भी कर्मयोगी भी सब इनकी पूजा करते हैं। प्रत्येक साधक के आदर्श हैं, इनकी साधना अद्वितीय है, साधक स्वरूप अनुकरणीय है। जो साधक इन द्वारा की गई साधना के अनुसार अपना जीवन यापन करता है, अपनी साधना करता है, हनुमान जी महाराज उनकी पूरी सहायता करते हैं और वह साधक सफलता लाभ कर लेता है। एक हनुमान जी महाराज का मंदिर खूब भीड़ रहती, बहुत प्रसिद्ध मंदिर, लोग खूब आते जाते रहते। आज एक भक्त उधर से निकल रहे थे, सोचा पवन पुत्र को प्रणाम करता जाता हूं। साधक जी ने बेशक सच्ची घटना ये ना हो, काल्पनिक हो, लेकिन है तो बहुत मार्मिक। ये व्यक्ति भीतर गए हैं, भीड़ थी, हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया। इन्हें महसूस हुआ कि हनुमान जी उदास हैं। मन ही मन पूछा, पवन पुत्र और उदास क्या बात है, क्यों उदास हो, आप तो सबकी उदासी दूर करने वाले हो, रोते हुओं को प्रसन्नता देने वाले हो, उनके आंसू पूछने वाले हो, उन्हें हंसाने वाले हो, जिनके जीवन में अभाव है उनके अभाव पूरे करके तो उन्हें हर प्रकार की प्रसन्नता प्रदान करने वाले हो, स्वयं उदास क्या हो।
हनुमान जी महाराज कहते हैं भाई, कलयुग है, प्रेम करने वाला कोई दिखाई नहीं देता, सबके सब स्वार्थी हैं। आप कैसे आए हो? पूछा। कहा, मैं औरों की तरह कुछ मांगने तो नहीं आया पवन पुत्र, इधर से निकल रहा था, सोचा दर्शन करता जाता हूं, प्रणाम करता हूं। हनुमान जी प्रसन्न हुए, शुक्र है कोई तो आया है जो प्रेमवश आया है और मेरे दर्शन करने के लिए आया है। मांगने वाले तो दर्शन देने के लिए आते हैं, उनको होता है कि किसी ढंग से हनुमान जी महाराज, ये उन्हीं की बात नहीं, हर जगह का यही हाल है, किसी न किसी कारणवश हमें देख ले, मानो हमारे दर्शन कर ले। हनुमान जी महाराज के दर्शन तो आप वहां भी बैठ के आंख बंद करके भी कर सकते हो, लेकिन स्वयं दर्शन करवाने हैं तो फिर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा कि हनुमान जी महाराज ने हमें देखा है कि नहीं देखा। आप सहमत हो, सब जगह ऐसा ही होता है, हम भी ऐसा ही करते हैं। कहा, कुछ दिनों की बात है, बहुत विद्यार्थी आए, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, संस्कृत में 100% नंबर दिलाना हनुमान जी, अच्छे नंबर आ जाएं, अच्छे कॉलेज में प्रवेश दिलाना। बड़े प्रेम पूर्वक प्रणाम किया, प्रसाद भी चढ़ाया। जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए, रूठ गई, फिर कभी दर्शन देने नहीं आए। जिनके अच्छे मार्क्स आके अच्छे कॉलेजेस में चले गए, वो भी नहीं आए कि अब हनुमान से क्या लेना देना है। कैंटीन में बैठ के मौज मस्ती करते हैं, भक्ति नाम की कोई चीज नहीं। जिनको एडमिशन नहीं मिल सकी अच्छे कॉलेजों में, गम दूर करने के लिए सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, नशीली दवाइयां खाते हैं। व्यक्ति ने कहा, हनुमान जी, नई पीढ़ी है, काम बन गया तो भूल गए, नहीं बना तो रूठ। हनुमान जी महाराज ने रोका, टोका, काम बनने से क्या मतलब, मैं किसी का काम नहीं बनाता, मैं सेवकों का सेवक हूं, भक्तों का भक्त हूं। जो साधक मेरे पास आते हैं, नहीं भी आते, मुझे उनकी चिंता रहती है, मैं उनकी साधना में हर प्रकार की सहायता करता हूं ताकि उनकी साधना निर्विघ्न बनी रहे। इनको मैं कुछ नहीं देता, दूं कैसे? जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो जितनी मेहनत करेगा उतना पाएगा, बिना पढ़े बिना मेहनत के मैं कहां से दे दूं? मैं ऐसे गलत चीजें शुरू नहीं करना चाहता, ना ही ये ऐसी होती है और ना ही ऐसी होनी ही चाहिए। पर आपके पास तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाने वाले, बड़ी बड़ी मन्नतें मांगते हैं, सब कुछ राम भरोसे, सब कुछ हनुमान जी महाराज देते हैं, क्या आप ऐसों की सहायता नहीं करते? खुली बातचीत। कहा, सबकी नहीं, देखता हूं, मेरी सहायता करने से कौन व्यक्ति परमात्मा की ओर मुड़ सकेगा उसकी करता हूं। मुझे एक ही उम्मीद रहती है हर एक से, कौन परमात्मा की ओर मुड़ने वाला है, कौन भक्ति में आगे बढ़ने वाला है। मैं उन्हीं के अभाव पूरे करता हूं, उन्हीं की सहायता करता हूं, हर एक की नहीं, जो स्वार्थी हैं नहीं, जो किसी की सुनने की तैयार नहीं। एक दफा तो सबकी सहायता कर देता हूं, लेकिन जब पता लगता है कि नहीं, इनमें सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं, छोड़ देता हूं। जो औरों को सुधारने वाले बन जाते हैं,
जो किसी की सुनने को तैयार नहीं, जो यही समझते हैं जो मैं कह रहा हूं बस वही ठीक है, भूले फिरते हैं, उन्हें ये बहुत पता नहीं है कि ये अभिमान के चिन्ह हैं, ये सही नहीं है, और भी ठीक हो सकते हैं। एक नहीं, हमने ना मानने की ठान ली है, हम किसी की सुनना नहीं चाहते, हम तो सुनाना चाहते हैं, हम तो मार्गदर्शन करने वाले बन गए हैं। ऐसों का मार्गदर्शन मैं नहीं करता, मैं ऐसों से पल्लू छुड़ा लेता हूं, अपना पल्लू पकड़ने नहीं देता उनको। हनुमान जी महाराज ने प्रभु राम से वरदान पा लिया, जब तक आपकी कथा चलती रहेगी मैं संसार में रहूंगा। हनुमान जी महाराज मरे नहीं, अभी भी है। भगवान राम ने ऐसा वरदान उन्हें दिया, परमेश्वर की कृपा है, राम कथाएं चल रही हैं तो हनुमान जी महाराज भी, ऐसी मान्यता है, हर कथा में विराजमान होते हैं। जहां रामायण पाठ होते हैं, जहां राम कथा होती है, हनुमान जी महाराज दृश्य अदृश्य रूप में वहां विराजमान होते हैं, देखते हैं कथा निर्विघ्न चले, लोगों को लाभ हो, स्वयं भी सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत वर्ष पहले की बात नहीं है, देवी सचमु मुंबई में एक कथावाचक राम कथा करने के लिए गए हुए थे। मंच पर बैठते, ऐसी गद्दी लगी होती है उस पर बैठते, साथ ही एक ऐसी गद्दी और रख दिया करते। कथा शुरू करने से पहले उच्च स्वर से कहते, आइए हनुमंत विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए। जब उनको महसूस हो जाता कि हनुमान जी महाराज आके विराजमान हो गए हैं तो राम कथा आरंभ होती। बहुत वर्ष पहले की बात नहीं है, कुछ वर्षों के पहले की बात है, मुंबई की सच्ची घटना। एक वकील भी कथा सुनने के लिए आते, रोज सुनते कि कथावाचक ऐसा करते हैं, ऐसा कहते हैं, हनुमान जी महाराज को निमंत्रण देते हैं। आज पूछ ली, क्या हनुमान जी कभी आपके निमंत्रण पर पंडित जी आए भी हैं कि नहीं? गुसाई जी, आपके निमंत्रण पर हनुमान जी महाराज आते हैं कि नहीं आते? कहा आते, क्या प्रमाण है? वकील साहब ने पूछा। पंडित जी ने कहा, प्रमाण मेरा विश्वास, मेरा विश्वास है कि वहां जहां उनको प्रार्थना करता हूं विराजमान होने के लिए, बैठने के लिए जो गद्दी लगी है उस पर बैठते हैं आके। मैं नहीं मानता, वकील साहब ने कहा, ना मानो आपकी मर्जी, मैं मानता हूं। वकीलों को बहस करने की आदत होती है, उन्हें चर्चा वहीं बंद नहीं की। ठीक है, आप कल आए, कल आके तो चेक कर लेना। कैसे? ये गद्दी जो पास रखी है हल्की है, आप इसे उठा सकते हो। जब हनुमान जी महाराज आके विराजमान हो जाएं, यदि तब आप गद्दी को उठा लो तो मैं समझूंगा कि हनुमान जी महाराज नहीं आए हुए, यदि ना उठा सके तो आपको मानना होगा कि हनुमान जी महाराज विराजमान है। वकील ने कहा, मैं हार गया तो सदा आपकी सेवकाई करूंगा। पंडित जी ने कहा, यदि मैं हार गया तो मैं आपका चपरासी। कथा शुभारंभ करने से पहले हनुमान जी महाराज को आमंत्रित किया, आइए महाराज विराजिए, सिंहासन पर आरूढ़ होइए। परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमात्मा
मेरी लाज रखना, अपने नाम की लाज रखना। कथा का आरंभ हो गया तो इशारा किया, पधारिए आप वकील साहब। पसीनो पसीन हो गए वकील साहब, लेकिन उस गद्दी को उठा नहीं सके। जहां राम कथा, वहां राम के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज ना हो, एक भी हो नहीं सकता। ना हमारे पास आंखें हैं साधकों देखने के लिए, ना हमारे पास विश्वास ही है ऐसी अनुभूति के लिए। दोनों चीजें जरूरी। हनुमान जी महाराज तो कहीं गए नहीं हैं, होते हैं हर प्रकार से। साधक जनों, पुनः अर्ज करूंगा, भक्तों की मैं रक्षा भी करता हूं, भक्तों की मैं सेवा भी करता हूं। उनकी साधना में जो विघ्न बाधाएं आती हैं, वह दूर करना चाहे न करना चाहे, मैं दूर करना चाहता हूं ताकि वह मेरे राम तक पहुंच सके। मैं दृश्य अदृश्य रूप से उनकी सहायता करता रहता हूं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। आदर्श मान के साधक चलो, उन्हें साधना कीजिए। कभी स्वप्न में भी हनुमान जी महाराज ने नहीं सोचा कि किसी कारण, किसी भी कारण से मैं आगे हो जाऊं। वे हनुमान नहीं हो सकते, हमेशा अपने गुरु महाराज रघुपति जी महाराज को अपना गुरु महाराज। वास्तव में देवी सज्जनों, खोज के देखो, लिटरेचर पढ़ के देखो, प्रभु राम ने एक ही व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया है और वह है हनुमान जी महाराज। कहीं किसी को दीक्षा नहीं दी हनुमान जी महाराज के अतिरिक्त। एक ही व्यक्ति उस काल में ऐसा, उस युग में ऐसा पाया जो दीक्षा देने योग्य है, और उसको दीक्षा दी और उसको अमर बना दिया। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए। धन्यवाद।